सो गाइस बेसिकली बात करने वाले हैं OnePlus के ऑक्सीजन OS 12 के बारे में। दोस्तों OnePlus ने ऑक्सीजन OS 12 का बीटा अपडेट रोल आउट किया है और दोस्तों OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के अंदर, इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑक्सीजन OS 12 का बीटा अपडेट मिल चुका है। तो दोस्तों बीटा अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ चेंजेस और क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको ऑक्सीजन OS 12 के अंदर, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली ऑक्सीजन OS 12 के नए फीचर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो यार लाइक कीजिए, वीडियो में नहीं आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और यहां पर अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीजन OS 12 के न्यू फीचर्स के बारे में और क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिला है ऑक्सीजन OS 12 के अंदर आफ्टर अपडेट के बाद OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के अंदर। अगर दोस्तों आप OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के यूजर हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन OS 12 का बीटा अपडेट आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये दोस्तों आपको चेंजेस देखने को मिलेगा आइकन्स के अंदर। पहले आपने अगर ऑक्सीजन OS 12 को यूज़ किया है तो आपको आइकन्स अलग देखने को मिलते थे, अभी यहाँ पर देख सकते हैं न्यू फॉन्ट स्टाइल और न्यू आइकन स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे चेंजेस के बारे में बात करें तो दोस्तों कस्टमाइज डार्क मोड यहां पर आप देख सकते हैं, डार्क मोड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन से आप एप्लीकेशन पर डार्क मोड लगाना है, कौन से एप्लीकेशन पर डार्क मोड नहीं लगाना है, तो कस्टमाइज डार्क मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चेंजेस यहां पर देखने को मिला और एक नया फीचर यहां पर ऑक्सीजन OS 12 के अंदर ये डाला गया है। उसके बाद दोस्तों OnePlus का जो शॉर्टकट होता है उस शॉर्टकट्स को आप अपने मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे आप दिख रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, लाइट ब्राइटनेस, म्यूजिक का कंट्रोल और ऑल थिंग जो भी आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नेवर सेटल वाले सेक्शन के ऊपर सेट कर सकते हैं अपने इजी तरीके से। तो दोस्तों ये भी आपको एक नया चेंजेस देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैनवास AOD 2.0 के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है OnePlus की ऑक्सीजन OS 12 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने फोटोज का स्केच लगा बना सकते हैं और स्केच बनाकर अपने होम वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो फीचर दिया गया है और भी अपडेटेड दिया गया है, तो डेफिनेटली इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों OnePlus ने अपने नोट्स दिए हैं जिसके अंदर आप पेंटिंग कर सकते हैं और उसी के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी आप टाइप कर रहे हैं कुछ भी आपका जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या फिर कोई भी आपके नोट्स हैं तो वहां पर आप इजी से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नोट पैड भी आपको OnePlus प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आप ड्राइंग भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये फोटो में आपने देखा ही होगा। उसके बाद प्राइवेसी सेफ का एक ऑप्शन और फीचर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा चेंज है कि पहले आप 4 डिजिट के ही पासवर्ड पिन लगा सकते थे, बट दोस्तों यहाँ पर आप अभी 6 डिजिट के पिन लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेसी को तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी बोर्ड भी दिया गया है जिसमें दोस्तों आपको पता चलेगा कि कौन से आपके एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा हुआ है, प्राइवेसी लगी हुई है, या कौन से एप्लीकेशन पर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे ये फीचर आप दे सकते हैं, इस फीचर को भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों प्राइवेसी को रिमूव भी कर सकते हैं इस फीचर के जरिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये फीचर्स भी देखने को मिलता है। और दोस्तों अगला जो फीचर देखने को मिलता है जेन मोड हालांकि पहले भी था बट दोस्तों इस बार काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि जेन मोड का जो थीम थी वो चेंज की गई है और दोस्तों काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों जेन मोड काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर एक और अपग्रेड किया गया है, तो दोस्तों डेफिनेटली इसको यूज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो फीचर्स थे जो कि आपको ऑलमोस्ट न्यू ही देखने को मिले हैं OnePlus की ऑक्सीजन OS 12 के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी UI बनाई गई है ऑक्सीजन OS 12 को, तो डेफिनेटली अगर आप OnePlus 9 या फिर OnePlus 9 Pro के यूज़र हैं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली से अपने फ़ोन के अंदर इंजॉय कर सकते हैं OnePlus की ऑक्सीजन OS 12 को। बाकी दोस्तों आपके पास OnePlus का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए, वीडियो बने आए तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ ग्रेट डे।